तो हेलो गाइस, कैसे हो भाई? सभी के सभी स्वागत है यार आपका आज की इस न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं भाई साहब GTA ग्रैंड आरपी, और ये फर्स्ट एपिसोड है इस ग्रैंड आरपी सीरीज का। तो गाइस, अभी हम लोग यार एक जेंडर चूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार मैं मेल ले लेता हूँ, और अभी मेरे को अपना कैरेक्टर भाई साहब देखना है। तो यार मैं रैंडम कर लेता हूँ, इसकी मदर को चूज करना है। तो उसकी मदर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि गाइस तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं अपने यार फ्लैट में। और अभी तो यार भाई मैं अपने घर में ही हूँ, और मेरा अपेयरेंस यार बड़ा बेकार है यार। मेरे को लगा इसका मदर को चूज करना है, लेकिन ये तो अपना खुद का चूज हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग ऐसे ही घूमेंगे। और अभी फिलहाल यार मैं अपना घर छोड़ता हूँ, और हम लोग चलते हैं यार बाहर। तो लेट्स गो गाइज, यार हम लोग बाहर आ चुके हैं अपने होटल से। अभी यार हम लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं यार, कोई तलाशी करते हैं जॉब वॉब की। सबसे पहले यार मैं इसके पास जाता हूँ और एक स्कूटर ले लेता हूँ, क्योंकि यार स्कूटर के What's लिए हम लोग को लाइसेंस नहीं लगता इस गेम में भाई, ठीक है? तो मैं एक स्कूटर इससे ले लेता हूँ, और लेट्स गो गाइस, हमारा स्कूटर आ चुका है हमारे पास। हम लोग चलते हैं गाइस अभी एक जॉब की तलाशी में। तो जॉब करने के लिए यार मेरे पास यार तो सबसे पहले गाइस हम लोग के पास आ चुका है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस। देखो फार्मर का अभी सैलरी बहुत हाई चल रहा है, तो आई थिंक मैं फार्मर का काम करता हूँ, लेकिन यार बहुत बोरिंग होता है वो काम। और ये हम लोग चलते हैं। और गाइज ये गेम मैं पहली बार खेल रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं यार इसमें क्या क्या सीन है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग यार पूरा सीखेंगे अच्छे से ये वाली गेम। और अभी हम लोग को रूट मिल चुका है, हम लोग को कहाँ जाना है, तो हम लोग फटाफट से यार चलते हैं वहाँ पर। गाइज मेरे को नहीं लगता मैं इस खटारे स्कूटर से जो इतना स्लो चलता है भाई कछुए के स्पीड में, उससे मैं पहुँच पाऊँगा। तो गाइज मेरे को लगता है यार हम लोग फार्मिंग वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। लिटरली भाई मेरे को बहुत देर हो गया गाड़ी चलाते चलाते। और वेट भाई, वो कहीं लैम्बोर्गिनी था क्या? भाई गायब भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेट्स गो गाइज, ये लैम्बोर्गिनी है किसी का, और शायद मैं इसमें बैठ सकता हूँ कि नहीं यार मेरे को पता नहीं। भाई यू हैव नो ड्राइविंग लाइसेंस। भाई साहब मेरे को इसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और ये किसी और बंदे का है शायद से, मेरे को लगता है। ये भाई साहब लैम्बोर्गिनी है, यहाँ पर हम लोग को दिख भी सकता है भाई साहब लैम्बोर्गिनी का भाई लोगो है। वह गाइज अपना इंजन स्टार्ट करते हैं, और गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई, ये खटारा स्कूटर है क्या बोलूं यार। तो गाइस हम लोग अपने जगह पे पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखा है यू डू नॉट वर्क एज अ फार्मर। ये कुछ यहाँ पर भाई गोला है, यहाँ पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को दिखा रहा है भाई गेट एम्प्लॉयड, और यहाँ पर भाई साहब मेरे ये पहला लेवल है गेम का, तो हम लोग को पार्ट टाइम जॉब मिलेगा और सैलरी कैश में मिलेगी। फिल वाटरिंग कैन एंड गो वाटर द फील्ड्स विच ईट बश। ओके ओके, तो हम लोग गेट एम्प्लॉयड कर लेते हैं भाई साहब, और हम लोग अभी एम्प्लॉयड हो चुके। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है गाइज, इस टैंक के ऊपर चढ़ना है शायद से। और भाई साहब भाई खेत में कौन लैम्बोर्गिनी लाता है यार, इतनी जहरीली जहरीली कार पड़ी हुई है। भाई भाई जब मैं इनके तरह अमीर बनूंगा, तो मेरे पास भी इनसे बढ़िया वाली कार होगी। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज, यहाँ पर किसी और बंदे ने स्कूटर लाया अपना खटारा सा रेंटेड वाला। तो गाइज हम लोग को सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और भी बंदे यहाँ पर है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपना काम चालू करता हूँ। बेसिकली हम लोग यहाँ से पहले यार पानी ले रहे हैं, और इसको जाके हम लोग भाई साहब डालना है हम लोग को खेत पे। तो यहाँ पर भाई साहब मैं पानी डालते जा रहा हूँ, और लिटरली यार थोड़ा टाइम लगता है ये सब काम करने में, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा 201 डॉलर्स है, और बैंक में तो यार 0 डॉलर्स है, हम लोग को कैश 201 डॉलर है। और जैसे ही मैं यहाँ पर भाई पानी डालूंगा, मेरा देखो कैश बढ़ता जाएगा। तो गाइज जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ बंदे अब तुमको दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली में रियल बंदे हैं। हम लोग इनसे यहाँ पर बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में ये रियल वर्ल्ड है भाई। तो जैसे कि गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास 490 डॉलर्स है इन कैश, बैंक में हमारा 0 रुपीज है। और अगर हम लोग को और पैसा कमाना है, तो यार हम लोग को और मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यार मैं फिर से यहाँ पर पानी भर लेता हूँ। तो गाइस हम लोग ने यार पानी भर लिया, और हम लोग फिर से वो सेम प्रोसेस करते हैं। तो गाइस अभी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया है एक बंदे से जो यहीं सामने में था, और मेरे से बात करके गया है, ठीक है? और मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया, तो यार मेरे को ना डबल अमाउंट मिलने लग गया जितना पहले मिलता था। जितना मैं पानी दूंगा यहाँ इस लैंड पे, उतना उसका डबल मेरे को एक बार में मिलेगा। तो गाइस हम लोग को फर्स्ट लेवल में पहुंचने के लिए 457 बेड्स और लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग यार फर्स्ट लेवल में पहुंच पाएंगे यार, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है यार, 465। अभी तक मैंने यार 50 कर चुका हूँ, और यार लिटरली बहुत देर लगेगा ये करने में। तो जैसे कि गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे को एक बंदा मिला, मैंने इससे लिफ्ट मांगा, और भाई ये मेरे को ऊपर लेके आ गया। हाँ बराबर। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये बंदे ने मेरे को यहाँ बुलाया, और यहाँ पर सोलर ठीक पैनल है, यूज क्या है करने बोल क्या रहा है, था। कुछ नहीं, हो गया थैंक यू। अभी चल, ओ भाई साहब
तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को $3,000 दे दिया है भाई। मेरे को यार शॉप ले चलो यार। हाँ तो भाई साहब ये कहाँ से कौन सी गलियों से ले जा रहा है यार, यहीं पर मेरा यार मौत हो जाएगा भाई। और गाइस हम लोग शायद से शॉप आ चुके हैं। अभी यहाँ से मैं एक सिम कार्ड खरीद लेता हूँ ताकि यार मैंने जो भी सीट ली थी उसको बेच जाऊँ। थैंक यू भाई, थोड़ा वेट करो यार मैं सीट खरीद के लाता हूँ। खरीद। तो गाइस जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं शो प्रोडक्ट्स पे दबा के सिम कार्ड एक बाय कर लेता हूँ। तो सिम कार्ड का नंबर कोई 7 डिजिट का नंबर देना है, तो मैंने यहाँ पर एक 7 डिजिट का नंबर दे दिया है। और यहाँ पर भाई हम लोग बाय कर लेते हैं, हम लोग ने सिम कार्ड बाय कर लिया है। और कुछ खाने के लिए भी ले सकते हैं क्या ब्रो, अभी मेरा हेल्थ कम है। तो भाई इस बंदे ने मेरे हाँ को बनाना दिया है, इसे यूज़ कर लेते हैं। शायद से मेरा बड़ा एचपी बड़ा भी है बढ़ एकदम। सकता है इससे। एक बंदे ने मेरे को यार ट्रैक्टर से ठोक दिया था और मेरा एचपी बहुत कम हो गया। तो गाइस जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक जगह पे इन्वेस्ट किया, इस बंदे ने मेरे को बताया था इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 घंटे के लिए यार इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को $10,000 मिलेंगे अगर मैं 1 घंटा यहाँ पर काम करूँगा। तो भाई ये शायद से अपना प्रोमो कोड डलवा रहा है मेरे पे, और मैंने इसका डाल दिया प्रोमो कोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस अभी देख सकते हो ये बंदा अपने घर जा रहा है और ये पूछ रहा है कि मैं तुमको कहीं छोड़ दूँ कि नहीं। तो ये बंदा यार जा चुका है अपने घर। तो गाइस जैसा कि तुम और लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं अपने वापस जॉब वाले एरिया में आ चुका हूँ। और ये बहुत भाई यार खतरनाक लोग हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए। इन लोगों ने भाई मेरे को ठोक ठोक के मेरा हेल्थ ही यार पूरा कम कर दिया। यहाँ पर मैं लीव कर देता हूँ यार अभी जॉब, क्योंकि यार मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है। और अभी तो यार मेरे पास $4K है। और यहाँ पर भाई किसी का स्कूटर पड़ा हुआ है, इसे उठा लेते हैं यार फोकट में, स्कूटर फ्री का स्कूटर। और नोटिफिकेशन, योर व्हीकल इज़ ऑलरेडी रेंटेड। तो शायद से मैं इनका व्हीकल नहीं ले पाऊंगा। तो जैसा कि गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो अलग से एरिया तुमको दिख रहा है, छोटी छोटी एफ लिखी है यहाँ पर, तो ये जो है ये भाई एक फैमिली बिजनेस वाला फार्मिंग एरिया है। तो अगर हमको यहाँ पर यार फार्मिंग करनी है और प्रॉफिट कमाना है, तो हमको इनका फैमिली ज्वाइन करना पड़ेगा। फिलहाल तो यार हमको अभी इनका फैमिली ज्वाइन करना नहीं है। तो जैसे कि गाइस तुम लोग यहाँ से देख सकते हो यार, मैं अभी कार में हूँ और मेरे को एक बंदा मिल गया था जो यार हमको सिटी में छोड़ने वाला था। और लिटरली सिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, हम लोग यहाँ पर थे और भाई साहब सिटी तुम लोग यहाँ से देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा दूर है। यार हमको यार थोड़े बहुत बंदे मिल चुके हैं, कुछ और भैंस की यार किसने मेरे को उड़ा दिया भाई साहब। ओ भैंस की भाई, यहाँ पर ये बंदे मेरे को हेल्प करने आए हैं भाई लिटरली। यार मेरे को कोई ले इट्स जाओ यहाँ से। नथिंग, यू गोना बी ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। तो इन लोग ने मेरा हेल्प कर लिया, थैंक यू सर यार। ओके तो गाइज ये हम लोग को यार सिटी भी छोड़ देंगे यार फ्री में, तो हम लोग चलते हैं। और गाइज यहाँ से सिटी यार बहुत ज़्यादा दूर है, तुम लोग यहाँ से लिटरली देख सकते हो बहुत ज़्यादा दूर है सिटी। लिटरली आने में मेरे को 10 मिनट लग गया था भाई साहब। तो ये लोग मेरे को छोड़ देंगे अपने सुपर फास्ट कार से, खटारा कार है आई नो दैट, बट कोई बात नहीं। ओके तो यार हमारे यहाँ पर कार का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो यार ये बंदा यहाँ पर पेट्रोल भर रहा है। और यार कब कब भज, और यार कितने देर बाद। और यहाँ पर गाइस हम लोग ने पेट्रोल भी बदल लिया और इस बंदे ने बीच रास्ते में टायर भी बदल लिया था। Nah, bro, he got punished for unhappy driving. He was driving on the mountain, on the hills and stuff. Jailed, jailed, the moment. Jailed. Can you help us? We don't have the permission to drive this car, so we are stuck here. I'm sorry, but it's kind of a siege now. You have to call from the PDA, call maybe put a local down, All talk on right. your radio. Thank you. तो मेरे को लग रहा है भाई ये मेरे को अरेस्ट करने हैं। शायद से हम लोग ने माउंटेन में गाड़ी चलाया था, इसलिए भाई साहब हम लोग को अभी पेनल्टी हो रहा है। शायद से हम लोग को जेल भी हो सकता है। वो जैसे कि गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग को यार जेल में डाल दिया गया है। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर जो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर था वो कुछ बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पर गाड़ी गलत जगह पे चला रहे हैं। फिलहाल तो यार गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग चाहते हो यार हम लोग और भी एपिसोड इस वाली वीडियो में बनाएं, तो यार बताना हम लोग को ज़रूर यार कमेंट में। अभी तो फिलहाल हम लोग यार जेल से जब छूटेंगे तो ही हम लोग अपना जॉब वॉब कर पाएंगे और बाकी सारी चीज़ें कर पाएंगे। मेरे साथ एक और बंदा है यहाँ पर, पता नहीं इसको भी डाल दिया जेल में। ऐसे ही वीडियोस के लिए यार गाइस चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।